सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस पाड़ी, आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में एनर्जी गैप जो कि छोड़ दिए थे पिछला वीडियो में, जो कि मैं जो कि बोला था थर्मल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किससे बोलते हैं, एनर्जी गैप कहाँ होता है यूजुअली, एनर्जी गैप कौन कौन सा एलिमेंट में पाते हैं, वो सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इधर आप देख सकते हो एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी गैप जो कि सिग्निफाई किया गया है ईजी के माध्यम से। तो फिर इट इज़ बीन सिग्निफाइड इन द लेटर कैपिटल विच इज़ नोन एज ईएनजी। ओके, यूजुअली ईजी के माध्यम से वो सिग्निफाई हुआ है, ठीक है, EN नीचे में G या फिर स्मॉल G, ठीक है, स्मॉल G या फिर कैपिटल G भी हम लिख सकते हैं, जो कि एनर्जी बैंड को सिग्निफाई करता है, ठीक है, वही है एनर्जी बैंड। अगर एनर्जी बैंड क्यों डिस्कस करेंगे, यूजुअली जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स का दोनों एग्जाम्पल है, वो एक है जर्मानियम, दूसरा है सिलिकॉन। सो जर्मानियम उतना ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हम जर्मानियम उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सिलिकॉन ही यूज करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये ऑप्शनल के लिए है, UPSC ऑप्शनल एज वेल एज IAS इंडियन सिविल इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी ये उपलब्ध है, इसीलिए मैं इसी वीडियो में ही पोस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी ऑप्शनल चूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको भी ये काफ़ी फ़ायदामंद हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको इसी वीडियो में या फिर इसी चैनल में मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, जो कि डिफरेंट चेंजेस जो भी होने वाला है इस वीडियो में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो फिर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर्स। तो अगर देर नहीं करते हैं, चले जाते हैं एनर्जी गैप के बारे में। अगर जब एनर्जी गैप, जो कि गैप बोलते हैं ना, गैप यूजुअली इसको क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, अगर एक गैप बढ़ गया तो फिर वो क्या हो गया, वो इंसुलेटर हो गया। एक गैप घट गया, पूरा घट गया, तो फिर वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। वो बीच में रहा गया, उसको क्या बोलते हैं, हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में उतना ज़्यादा क्यों होता है, कंडक्टर में उतना कम क्यों होता है, और सेमीकंडक्टर में बीच में क्यों रहता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में जब डिस्कस करेंगे, एनर्जी क्या होता है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल, मीन्स अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जब हम क्लासमेट्स होते हैं ना, अगर बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं, जुड़ के रहते हैं, ठीक है, जो मीन्स दे आर लाइक फ्रेंड्स, सो उतना ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। अगर देखे मीन्स इन अराउंड, जो पास पास ही रहते हैं, और अगर देखे वही फ्रेंड्स अगर ब्रदर्स हो गए, तो फिर वो क्या हो गया, एक कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि हर एक वक्त में वो साथ रहते हैं। बेस्ट फ्रेंड तो कभी ना कभी जाएगा ही, तो इस अगर मैं फ्रेंड्स के बारे या फिर ब्रदर्स के बारे में बात करूंगा, ब्रदर्स विद बेस्ट फ्रेंड्स अगर बात करूंगा, तो फिर क्या होता है, वो कंडक्टर की तरह अच्छी तरह रहते हैं। अगर मैं बात करूंगा इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर क्या होता है, एनिमीज का, एक है मैं और एक है मेरा एनिमी, दोनों का बीच में बहुत ही ज़्यादा फर्क बनता है, डिस्टेंस बनता है। तो उसी दौरान में आपको एग्जाम्पल के दौरान भी हम मैं बता सकता हूँ कि एनर्जी गैप डिफर कैसे होता है हर एक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें दिया गया है एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, या फिर एनर्जी बैंड इसको बोलते हैं, एनर्जी बैंड जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑल दिस बैंड्स, वी कैन से दैट एनर्जी बैंड। लेकिन एनर्जी गैप को हम दूसरा नाम से भी जान सकते हैं, वो है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। इधर आपको फ्लो चार्ट दिया हूँ, फ्लो चार्ट से आप जान सकते हैं, यू माइट बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फ्लो चार्ट। सो व्हाट इज देयर इन द फ्लो चार्ट, सॉरी, फ्लो चार्ट में क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है, लेट मी गिव यू एक्सप्लेनेशन, लेट मी मेक ए बॉक्स बनाकर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह हो सके। सो लेट मी डू ए बॉक्स फॉर यू ऑल। बॉक्स बना दिया, उसके बाद मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करूँगा, क्योंकि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बॉक्स बनाकर छोड़ दिया, ठीक है, बॉक्स नहीं बनाया था, ठीक है। तो फिर इधर आप देख सकते हो ईजी, जो कि एनर्जी गैप है, जो कि अगर सिलिकॉन या फिर जर्मानियम के बारे में बात करें, तो फिर वो कितना है, 0.785, ठीक है, 0.785 वो क्या है, एनर्जी गैप है, जो कि जर्मानियम में। उसके बाद सिलिकॉन में देखे तो वो कितना है, 1.21, जो कि हम जान सकते हैं, जो कि ऐसे होता है कर्व, यूजुअली दिस कर्व, हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कर्व जो पढ़ाई किए हैं, ठीक है, ट्रांजिशन व्यू, तो उसी प्रकार ये है, यही भी है। सो फिर सिलिकॉन में कितना है, 1.21 ही भी। उसके बाद गैलियम एट
क्या टेम्परेचर डिफर करता है, टेम्परेचर भी डिफर करता है क्योंकि टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं पहले ही बोल चुका था। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइस में टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फर्क होता है, तो इसीलिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस में उसके बाद 300 केल्विन में या फिर सेल्सियस केल्विन में हम पढ़ेंगे वो कितना होगा। जर्मानियम वो है 0.72 एंड सिलिकॉन है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फिर यही है डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फिर दूसरा वीडियो या फिर दूसरा इसी वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इधर आप देख सकते हो मेटेरियल कांस्टेंट। यूजुअली मेटेरियल कांस्टेंट जो भी आपको दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन के यूनिट है, ऐसा यूनिट भी हम बोल सकते हैं, वो उससे पहले आप फर्स्ट नंबर बॉक्स, यू माइट बी हैविंग द विजुलाइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर बॉक्स, फर्स्ट नंबर बॉक्स में क्या लिखा गया है या फिर क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर बॉक्स, सेकेंड नंबर बॉक्स एंड थर्ड नंबर बॉक्स, वो उतना ही जरूर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद था फोर्थ नंबर बॉक्स देखेंगे, वो फोर्थ नंबर बॉक्स जो कि जर्मानियम आटम के लिए या फिर जर्मानियम एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर पहला नंबर है ई जी, जो ई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, जो कि इसीलिए मैं बोला ई जी जीरो में कितना होगा 0.7 1 समथिंग एंड उसके बाद 7.2 समथिंग जर्मानियम का, उसके बाद 0.12, उसके बाद 1.2, उसके बाद 1.1 जो कि सिलिकॉन का। ठीक है, वही है एनर्जी गैप जो कि टेम्परेचर के दौरान डिफर होता है, तो ई जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। उसके बाद इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजिंग होने में इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डिक्रीज होता है या फिर एनर्जी गैप डिक्रीज होता है। तो उधर से हम कैसे जान सकते हैं एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, वो है ई जी इज इक्वल टू ई जी जीरो माइनस बीटा माइनस मेटेरियल कॉन्स्टेंट बीटा नॉट इंटू टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि हम जान सकते हैं टेम्परेचर से कैसे फर्क बनता है। तो फिर इधर आप देख सकते हो बीटा नॉट जो कि मेटेरियल कॉन्स्टेंट है, जो कि ऐसा यूनिट कितना है वो ई वी पर कैल्विन या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कैल्विन के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक है, अगर देखें जो कि थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर सिलिकॉन का कैसे हम मीन्स जान सकते हैं, वो है 1.21 जो कि सिलिकॉन एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि हम पढ़ाई किए थे 300 में और 0 में, उसके बाद 3 × 6 × 10⁴ × टेम्परेचर × केल्विन। तो फिर इधर देख सकते हो 3.6 जो कि मेटेरियल कांस्टेंट का वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है 3.6 × 10⁴। ठीक है, उसके बाद अगर जर्मानियम का देखें, जर्मानियम का कितना है 0.7 कुछ आएगा। ठीक है, या इधर आप देख सकते हो जर्मानियम का, जर्मानियम का कितना है 0.785 − 2.2 × 10⁴ − 4। ठीक है, बीटा वैल्यू डिफर हो रहा है जर्मानियम में भी, सो जर्मानियम में सिलिकॉन में बीटा वैल्यू कैसे डिफर हो रहा है आप इधर देख सकते हो। ठीक है, जो कि मटेरियल कांस्टेंट है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वो मटेरियल कांस्टेंट, इसीलिए हम बोल सकते हैं सिलिकॉन का 3.6 एंड जर्मानियम का 2.2 मटेरियल कांस्टेंट है। ठीक है, इधर आप ई जी नॉट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना है एनर्जी गैप वो हम इधर से जान सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखें कौन सा पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर आप देख सकते हो एनर्जी बैंड डायग्राम, जो कि एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का डिफरेंट डिफरेंट डायग्रामेटिकल व्यू आप इधर देख सकते हो। तो फिर इधर मेटल या फिर कंडक्टर दोनों एक ही है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड कंडक्टर, जो जो मेटल्स कंडक्ट होता है, इवन मेटल्स यूजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो हियर व्हाट इट्स। सो मैं आपको पहले से ही एग्जाम्पल भी बोल चुका हूँ कि जो फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स विद ब्रदर्स वो क्या एक ही घर में जुड़े रहते हैं या फिर मिलकर रहते हैं, तो वही है बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर या फिर एनर्जी बैंड इन कंडक्टर। सो एनर्जी बैंड इन कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड, इधर आप देख सकते हो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड क्या होता है, मिलकर रहता है, यूजुअली दे आर कंबाइंड विथ ईच अदर। सो इधर देख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, जब एक जुड़े रहेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो फ्रीली हो जाएगा, यूजुअली मूव राइट। सो अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो पास होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, तो इधर आप इसीलिए हम जान सकते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ्री अवेलेबिलिटी होगा या फिर अवेलेबल फ्री अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जनरेशन ऑफ चार्ज होगा, जनरेशन ऑफ चार्ज जब होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में कामिल होगा या फिर काबिल होगा, तो वही है इंसुलेटर या फिर सॉरी नॉट इंसुलेटर, इट इज ए कंडक्टर राइट। सो हियर आप देख सकते हो टी
जो कि इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट डेवलप ऑफ जीरो जीरो कैल्विन। सो जीरो कैल्विन मींस जीरो कैल्विन जो कि हम जानते हैं के इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ऑन अराउंड जीरो जब होगा कैल्विन वो कितना होगा 300 कैल्विन। सो एट टी इज इक्वल टू 300 कैल्विन क्या होगा, थ्री इज इक्वल टू 300 कैल्विन में क्या हो सकता है, इधर आप देख सकते हो कि ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। अगर टी अगर कितना हुआ 300 केल्विन हुआ तो फिर क्या होगा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ओवरलैप हो जाएगा। इधर ओवरलैप नहीं है, दोनों मिलकर है। इधर कंडक्शन बैंड ऊपर है वो उसके बाद वैलेंसी बैंड नीचे है, लेकिन इसमें क्या है मिलकर हो गया, ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसीलिए ओवरलैप हो गया। एट वॉट टेम्परेचर, एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, पहला है 0 केल्विन उसके बाद टी इज इक्वल टू 300 केल्विन में। इधर आप देख सकते हो, सॉरी इधर आप देख सकते हो ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टेम्परेचर। तो ओवरलैप किससे हो सकता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, वो टेम्परेचर से है। सो डेंसिटी ऑफ कंसेंट्रेशन वो है 10^28 पर मीटर क्यूब इन मेटल। सो डेंसिटी कितना है, यूजुअली कंसेंट्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी उधर कितना है मेटल्स में, वो है 10^28। मतलब देखिए आप मीटर क्यूब में डेंसिटी, इसका कंसेंट्रेशन ऑफ डेंसिटी इन मेटल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको सामने लाया गया, फिर बताया गया। तो फिर देर नहीं करते हैं, दूसरा वीडियो में मैं आपके सामने या फिर आपको बोलूँगा, जरूर बोलूँगा इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो फिर इसी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लंबा हो गया तो फिर बोर आप जरूर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं छोटा करके ही आपको बोलूँगा, छोटा करके ही बात करूँगा। तो फिर छोटा ही रहने दीजिए, बड़ा मत सोचिए, क्योंकि अगर बड़ा सोचेंगे, क्यों बड़ा सोचेंगे, जब हम बड़ा एबिलिटी करने का कुछ काम रखते हैं तो फिर बड़ा जरूर सोचेंगे। ठीक है, व्हेन वी थिंक अबाउट बिग थिंग्स देन वी शुड हैव टू लर्न अबाउट बिग थिंग्स नाउ, बट स्टिल नाउ वी शुड हैव टू लर्न सम कॉमन थिंग्स विच आर इवन नीडेड फॉर आवर गुड प्रोग्रेस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी पॉज दिस वीडियो एंड स्टॉप दिस वीडियो फॉर यू ऑल, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंसुलेटर्स एज वेल एज द सेमी कंडक्टर्स एंड हाउ द एनर्जी बैंड यूजली डिफर फ्रॉम one place to another place at different temperature. So first of all we have discussed T is equal to 0 Kelvin, then after we have discussed T is equal to 300 Kelvin. Based upon that we have come to a point that the density of electron is 10^28 meter cube, and at the overlapping of the conduction band over and the valence band, usually what it's significant, what its significant is, and the availability of electron, free electron, and the availability of free charge or the conduction charge also we have learned. So without wasting time, let me pause and stop this video for you all.